डेजर्ट के बीच एक छोटा बच्चा इधर उधर भटक रहा है और एक इंसान की उंगली चूस रहा है। तभी विंडहम अपनी कार में डेजर्ट आता है, वो भी इधर उधर घूमता है और जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो अकेले वहाँ एक्लिप्स की तस्वीरें खींच सके। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वो एक जबरदस्त फोटो लेने में सफल हो जाता है और वापस जाने की तैयारी करता है। कार के पास वापस आते वक्त वो एक बच्चे को एक छोटे से पेड़ के साये में रोते हुए देखकर हैरान हो जाता है। विंडहम उससे कुछ सवाल पूछता है और पता चलता है कि बच्चा खो गया है और उसके माँ बाप भी खो गए हैं। वो उसकी मदद करने के लिए हाँ करता है और जब वो बच्चे को उठाता है तो उसका हाथ बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। बच्चा डेजर्ट के और अंदर चले जाता है और वो विंडहम के कहने को भी इग्नोर करता है कि उन्हें वापस कार की तरफ चलना चाहिए। विंडहम उसका पीछा करने का फैसला करता है और सवाल पूछता रहता है पर बच्चा कुछ जवाब नहीं देता। बच्चा सोडा मांगता है और विंडहम अपनी बोतल का पानी उसके साथ शेयर करता है और वो बच्चे को वापस ले जाने के लिए अपना हाथ उसके ऊपर रखता है, लेकिन बच्चा गुस्से में आकर उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। दूर जाने के बाद वो विंडहम को स्मर्क करता है और फिर भाग जाता है। विंडहम देखता है कि उसका सारा पानी जमीन पर गिर गया है और वो वापस अपनी कार ढूंढने के लिए चल पड़ता है, लेकिन वो भी अब खो गया था और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा। रात होते ही विंडहम कुछ पत्थरों के पास शेल्टर लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजीब आवाज के कारण वो सो नहीं पाता। वो आवाज का पीछा करता है और कुछ बोतल्स देखता है जो शाखों पे लटकी हुई है और एक औरत को कैनियन के नीचे पाता है। विंडहम पास जाकर देखता है और हैरान हो जाता है देखकर कि वहां नीचे एक पूरा घर है। पास में एक सीढ़ी है तो वो ध्यान से नीचे उतरता है गिरने से बचते हुए। आखिरकार वो घर के पास पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। विंडहम वैसे ही अंदर चला जाता है और अलीना को कुकिंग करते हुए पाता है। जब वो उसे फोन या डायरेक्शन के बारे में पूछता है, अलीना कहती है कि उसके पास फोन नहीं है और वो उसके साथ कुछ खाना शेयर करती है। जो भी विंडहम पूछता है उसे और कोई जवाब नहीं मिलता। उसका मन नहीं करता और वो बस पानी पीता है तो अलीना उसकी प्लेट भी खा लेती है। रात का टाइम था तो अलीना विंडहम को वही रहने का इन्विटेशन देती है और वो छिपके से उस पर नजर रखता है जब वो कपड़े बदलती है। अगले सुबह विंडहम सबसे पहले उठता है और छिपके से बाहर निकल जाता है और कैरियन पर अजीब सी पेंटिंग देखते हुए अपने आप को रिलीव करता है। फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है पर उसे पता चलता है कि सीढ़ियां गायब है। क्योंकि अलीना अभी तक सो रही है, वो अपना कैमरा निकालता है और उसकी कुछ फोटोज लेता है और उसे और भी अजीब पेंटिंग्स दिखती है। वहां एक पिंजरा और एक अजीब से जानवर की खोपड़ी भी दिखती है। अचानक वो अलीना को छत ठीक करते हुए पाता है। वो उसकी मदद करता है और सीढ़ी के बारे में पूछता है पर अलीना कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि लोग कभी कभी सीढ़ियां ले जाते हैं, शायद वो जल्दी वापस आ जाए या फिर कुछ दिनों में वापस आए। विंडहम वहां से निकलने का रास्ता जानना चाहता है पर अलीना समझाती है कि वो सीढ़ी ही इकलौता रास्ता है। बाद में विंडहम कैनियन से निकलने की कोशिश करता है लेकिन बिना सही इक्विपमेंट के वो पॉसिबल नहीं है और मदद के लिए चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता, तो वो नीचे आ जाता है और पूरा मिट्टी में लिपटा होता है। तो अलीना उसको कन्विंस करती है कि उसके कपड़े धो दे। विंडहम बाहर जाता है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जैसे कि कोई बोल रहा हो, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता। अगले दिन विंडहम घर में ढूंढता है और अपने हाथ के लिए एक बैंडेज और एक हथौड़ा मिलता है जिससे वो फिर से चढ़ने की कोशिश करता है। ऊपर जाते वक्त वो अजीब से आवाजों को वापस सुनता है और कन्फर्म होता है कि वो लड़कों की आवाजें हैं। तभी कोई एक सुअर का सर नीचे फेंकता है जिससे वो फिसलकर गिर जाता है। विंडहम शाम को उठता है और अनबेरेबल पेन फील करता है क्योंकि हथौड़ा उसकी टांग में फंस गया था। अलीना जल्दी से हथौड़ा निकालती है और उसे घर में ले आती है। अगले कुछ दिन विंडहम बेड में रहता है और दर्द के कारण हेलुसिनेट करता है। कभी कभी उसे लगता है कि घर में एक लड़का भी है उनके साथ। इस बीच अलीना अपने मंथली ब्लीडिंग के थ्रू वॉल पर एक नया निशानी बनाती है। जब विंडहम बेटर फील करता है तब वो देखता है कि उसे एक लैंप आ गया है, तो वो बाहर जाके हेल्प के लिए चिल्लाता है। बच्चे जवाब नहीं देते और विंडहम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की जरूरत के बारे में चिल्लाता है और अलीना से कुछ करने को कहता है। वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और वो बस कहती है कि वो उसका ख्याल रख सकती है, पर विंडहम कहता है कि वो उसे अकेले छोड़ दे। तभी कुछ लड़के फाइनली कैनियन के ऊपर दिखाए जाते हैं और विंडहम उनसे मदद की भीख मांगता है। वो कहते हैं कि वो पहले उसका फेवरेट कलर जानना चाहते हैं, तो विंडहम जवाब देता है रेड। लड़के फिर कुछ घंटों के लिए चले जाते हैं और विंडहम धूप से बचने के लिए छाया में छिप जाता है और अपने पर्स की चीजें देखते हुए अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। जब लड़के वापस आते हैं तो वो विंडहम के लिए एक रस्सी नीचे डालते हैं जो वो अपने आसपास बांध लेता है, लेकिन उनमें से एक लड़का कहता है कि उसे ब्लू कहना चाहिए था, जो विंडहम नहीं सुन पाता। अलीना विंडो से देखती है और वो लड़के विंडहम को ऊपर खींचते हैं पर बीच में ही वो रस्सी खींचना रोक देते हैं। विंडहम पागल होने लगता है और वो उन पर चिल्लाता है और रस्सी को पकड़ के चढ़ने की कोशिश करता है पर उसके घाव में और दर्द होने लगता है। वो लड़के उसे कुछ घंटों के लिए वही लटका कर रखते हैं और विंडहम की स्किन सूरज की गर्मी से जलने लगती है। अचानक एक लड़का उस पर पानी गिराने लगता है और बाकी रस्सी को इधर उधर हिलाता है और किसी अजीब भाषा में बोलने लगता है। डर के मारे विंडहम अलीना से मदद मांगता है तो वो बाहर आकर उन लड़कों को अजीब भाषा में डांटती है, जिसे सुनकर उनका रस्सी पर से कंट्रोल हट जाता है और विंडहम कैनियन के अगेंस्ट अपना सिर मारकर बेहोश हो जाता है। शाम को विंडहम बेड पे उठता है और वो तुरंत भागने की कोशिश करता है पर बस कुछ कदम चलते ही वो गिर जाता है। जब अलीना उसे चेक करने आती है तो वो समझाती है कि वो लड़के स्ट्रे है जो डेजर्ट में
एक दूसरे से मिलते हैं। वो ये भी कहती है अब विंडम भी यही का हिस्सा है, इसीलिए उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए और चुपचाप रहना चाहिए अगर उसे जिंदा रहना है तो। वो लड़के फिर से कैनन के ऊपर दिखते हैं और विंडम पर थूकते हैं जब अलीना अपने डिनर का मजा ले रही होती है उसकी चीखों को इग्नोर करते हुए। उसके बाद विंडम को अपनी नई जिंदगी अलीना के साथ एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उसके कपड़ों को खराब देखकर अलीना उसको अपने ट्रंक में से एक नया कपड़ा ऑफर करती है और विंडम को हैरानी होती है देखकर कि उसके पास मर्दों के कपड़े भी है। बाद में वो खेती में मदद करता है और वो कुछ सीड्स भी लगाता है क्योंकि समहाउ कैनियन के एक स्पेसिफिक एरिया की मिट्टी फर्टाइल है। तभी एक लड़का नीचे एक बॉक्स फेंकता है जो अलीना जल्दी से अंदर ले जाती है। जब विंडम उससे पूछता है कि ये कहां से मिला तो वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता और उसे विस्की की बोतल रखने देती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं विंडम को गुस्सा आने लगता है क्योंकि अलीना बस जरूरत पड़ने पर उससे बात करती है और किसी एक्चुअल कन्वर्सेशन में शामिल नहीं होती। जब वो इस पर कंप्लेंट करता है तो अलीना अनाउंस करती है कि उसने काफी पी ली है और वो उसे बोतल वापस लेने से रोक लेती है। उस रात विंडम को बाहर से लड़कों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और वो अलीना की वार्निंग को इग्नोर करते हुए बाहर भागता है। वो अपने बचाव के लिए एक कुल्हाड़ी उठाता है और एरिया में तलाश करता है जब तक उसे एक लड़का औरतों के कपड़ों में नहीं दिखता जबकि बाकी लड़के आसपास भागते हुए हंस रहे थे। वो विंडम का ध्यान भटकाते हैं ताकि क्रॉस ड्रेसर उसे नीचे गिरा सके और उसके चेहरे पर अपनी जीभ से लिख करते हुए उसे गंदे वर्ड्स बोलते हैं। विंडम उसे धक्का देकर दूर कर लेता है और घर की तरफ दौड़ते हुए वापस जाता है, चिल्लाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। अलीना थोड़ी घबराहट में कहती है कि वो उससे डर गई है लेकिन विंडम और ज्यादा चिल्लाता है और बोतल को वापस लेकर पीने लगता है। जब अलीना उससे बेड पे जाने को कहती है तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो कोई लड़का नहीं है जो ऑर्डर्स ले, वो एक रियल मैन है। अलीना एग्री करती है कि वो मर्द है और फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। अपना बॉडी साफ करने के बाद वो विंडम को गले लगाती है और उसे तसल्ली देती है जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अलीना के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखती और बाहर लड़कों की चैंटिंग सुनाई देती है। कुछ हफ्तों बाद विंडम खुश होता है देखकर कि प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। जब वो खेती कर रहा था एक लड़का जिसका नाम लीपस है उसके पास आता है और पूछता है कि ये कैसे हो रहा है। विंडम उसे काफी चीजें सिखाता है और प्रॉमिस करता है कि आगे और बताएगा। इसके जवाब में लीपस उसे कुछ कैंडीज देता है और अगले टाइम सोडा लाने का प्रॉमिस करता है। लड़के के चले जाने के बाद विंडम फार्मिंग में लग जाता है और जमीन के नीचे एक रिंग और कुछ चाबियां पाता है। शाम को विंडम अलीना के वॉल पे लगे तस्वीरों के बारे में पूछता है। अलीना बताती है कि वो औरत उसकी माँ है और वो द फर्स्ट मदर है और उसके बारे में उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बताती। अलीना ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि विंडम एक फादर बनेगा। विंडम गुस्से में उस पर इल्जाम लगाता है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी और वो कहता है कि इस माहौल में वो एक बेबी को ग्रो होने नहीं देगा, अलीना को इनब्रेड हाफविट कहते हुए। थोड़ी देर बाद विंडम कुछ परिंदों को अपने प्लांट्स के पास आते हुए देखता है और उन्हें भगाने के लिए बाहर दौड़ता है लेकिन बदकिस्मती से क्रॉप्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अलीना भी बाहर आकर मदद करती है और दोनों मिलकर जो बचा सकते हैं वो करते हैं। उस रात विंडम सो नहीं पाता क्योंकि अलीना बाहर जाती रहती है। एक सुबह विंडम कैनियन में भागकर अपने आप को फिट रहने की प्रैक्टिस करता है। तभी वो एक प्लेन को ऊपर से गुजरते हुए देखता है लेकिन वो चिल्लाता नहीं क्योंकि उसे पता है कि वो उसे नीचे ना ही देख पाएंगे ना ही सुन पाएंगे। तभी लीपस आ जाता है और माफी मांगता है क्योंकि वो सोडा नहीं ला पाया। विंडम खुशी से उसे और सिखाता है और सोचता है कि क्या ये लड़का वाकई यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन लीपस एक्सप्लेन करता है कि उन्हें द पैलेस छोड़ने की परमिशन नहीं है। हार ना मानते हुए विंडम उसे कहता है कि अलीना प्रेग्नेंट है और वो मिलकर एक फैमिली बनाने का सोच रहा है। तो लीपस अग्री करता है कि वो रात को बाकी लड़कों के जाने के बाद उसकी मदद करने आएगा। अलीना इनकी बातें सुन लेती है और इनकी बातों से इमोशनल हो जाती है लेकिन फिर एक लड़का आकर लीपस को ले जाता है। दोपहर में अलीना विंडम के घाव को साफ करती है। डिनर के दौरान अलीना विंडम से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सवाल पूछती है। विंडम उसे बताता है कि फ्री होना कैसा होता है और उसे चीज बर्गर क्या होता है ये एक्सप्लेन करता है। वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि अगर वो वापस गया तो उसे जो साइलेंस उसके बीच था वो उसे मिस करेगा। उस रात विंडम आग और लड़कों के चैंटिंग का सपना देखता है। अगली सुबह अलीना बाहर आती है और दुख में चीखती है जब वो देखती है कि लीपस का लाश उनके ऊपर लटका हुआ है। वो लड़कों पर अजीब भाषा में चीखने लगती है पर वो इंग्लिश में कहती है कि ये वो नहीं है जो भाई करते हैं। विंडम उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है पर अलीना उसे दूर कर देती है और उस पर इल्जाम लगाती है अपने लड़के की मौत का। तब विंडम रियलाइज करता है कि ये लड़के उसके बच्चे हैं। अलीना एक लकड़ी से उसकी पिटाई करती है। अगले कुछ महीनों तक विंडम को एक केज में रखा जाता है और अलीना सिर्फ उसके पास आती है जब उसे खाना देना होता है। जब भी वो कैनियन के ऊपर लड़कों को देखता है वो उनका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं। एक दिन विंडम को एक हाइकर वहां से गुजरते हुए दिखाई देता है और वो एक्साइटेड होकर उस औरत से मदद मांगता है लेकिन बदकिस्मती से लड़के पहले ही उस तक पहुंच गए थे और उसका मर्डर कर देते हैं जिससे विंडम का ब्रेकडाउन हो जाता है। वो केज को जोर जोर से हिट और शेक करता है लेकिन अलीना उस पे कोई ध्यान नहीं देती। एक रात सब लड़के कैनियन के नीचे आते हैं और उनमें से एक विंडम को एक पीच देता है जो वो आंसुओं के साथ खाता है। उसके बाद एक रिचुअल शुरू होती है। लड़के आग के आसपास डांस करते हैं और अलीना उनको सन्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाती है। वो एक लड़के को उसकी एज के बिना देखकर अपने से दूध पिलाती है। फिर वो अपनी आंखों
पर पत्तों से पट्टी बांध लेती है और लड़के उसके सर पर एक बेडशीट डालकर उस पर खून डालते हैं। ये सब देखकर विंडम को फाइनली समझ में आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। लड़के निर्दोष हाइकर्स को कैनियन में ले आते हैं ताकि अलीना उन्हें अपने साथ रख सके, फिर वो और लड़के पैदा कर सकते। ये कल्ट है जो फर्स्ट मदर ने शुरू की थी और वॉल पर खून के निशान देखते हुए ये समझ आता है कि कुछ और भी मदर्स रह चुकी है, इसलिए जो अभी के लड़के हैं वो या तो अलीना के भाई है या फिर उसके बेटे। फिर वो मर्दों को मारकर जमीन में गाड़ देते हैं जिस वजह से ये छोटी सी जगह फर्टाइल बन जाती है और इसी वजह से विंडम को वहाँ कुछ चीजें मिली थी। बाद में जब अलीना विंडम के लिए एक ब्लैंकेट लाती है तो वो उसे मनाने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वो अब अच्छा बिहेव करेगा और जितनी बेबीज चाहिए उतना देगा। वो उसे एजुकेट भी करेगा और एक रियल फैमिली बनाएगा। रोमांटिक बातें करके वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है पर वो उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि उसके पास कभी चॉइस थी ही नहीं और वो सिर्फ एक सीड है। वो उसे बस केज में इसलिए रख रही है ताकि बेबी के बॉन्ड होने तक कुछ गलत ना हो जाए। कुछ देर बाद अलीना को कंट्रैक्शन के कारण अनबेरेबल पेन होता है तो वो विंडम को रिलीज कर देती है और एक्सप्लेन करती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। विंडम एग्री करता है कि वो उसकी मदद करेगा पर जैसे ही वो उसे वापस घर ले जाता है उसे कैनियन पर लड़के और सीढ़ी अपने जगह पर दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी सेल्वेशन की तरफ भागता है और अलीना को छोड़ देता है जो जमीन पर बच्चा पैदा कर देती है। विंडम फ्रीज हो जाता है जब वो बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने बच्चे को देख लेगा। अलीना उसे कुछ मिनट के लिए अपना बच्चा गोद में लेने देती है और समझाती है कि ये लड़की नई मदर बनेगी। वो विंडम का शुक्रिया अदा करती है उसके कोऑपरेशन के लिए और लड़के आसपास आकर उसका गला काटकर उसका मर्डर कर देते हैं। बाद में अलीना विंडम की चीजें ट्रंक में रख देती है और बाहर उसकी बॉडी सड़ती है।